you <laughs> असलम स्टूडेंट्स आई एम निम्शा सेहतर ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर फ्राम टिटोरिया डॉट पी के स्टूडेंट्स आपकी नंबर थ्री में गैसेज में हम आगे डिस्कस करते हैं स्केल्स ऑफ थर्मोमीट्री कि आप थर्मोमीट्री के कौन कौन से स्केल्स यूजली यूज़ कर रहे होते हैं इंडस्ट्रीली या लेबॉर्ट्री में स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह से पता है कि आपके पास तीन डिफरेंट तरह के टेम्प्रेचर स्केल्स हैं कैलविन से तो आप बखूबी या वाकफ़ हो चुके हैं एक आपके पास होता है फेरन और एक आपके पास होता है सेल्सियस स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि नॉर्मल जो हमारी वेदर की डेली फोरकास्ट हो रही होती है वो आपको सेल्सियस से फेर में की जा रही होती है नॉर्मली ज़्यादातर आप फेर को यूज़ कर रहे होते हैं अब स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कि आपके पास सेल्सियस कैल्विन

डिग्री फ़ारेनहाइट होता है जीरो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू आप देख सकते हैं कि जीरो डिग्री फ़ारेनहाइट और जीरो डिग्री सेल्सियस आपस में इक्विवेलेंट नहीं है बल्कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड जीरो डिग्री सेल्सियस आपस में इक्विवेलेंट है बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट जीरो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू के कंपेरेबल आपके पास टू केल्विन केल्विन स्केल पे होता है

किया कि आप केल्विन के अंदर आप केल्विन के अंदर कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं फ्रॉम दैट ऑफ डिग्री सेल्सियस आपको पता है कि आपने डिग्री सेल्सियस के अंदर ऐड कर देना है 273.15 को तो आपके पास जो है आपकी जो रिस्पेक्टिव वैल्यू है सेल्सियस की वो केल्विन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया एग्जांपल्स भी उससे रिलेटेड देखे थे दिस हम यह देख सकते हैं कि आपने फेरन को कैसे कन्वर्ट करना है सेल्सियस को या सेल्सियस को अपने फेरन में कैसे कन्वर्ट करना है यानी कि दोनों की इंटर कन्वर्जन को हम देख सकते हैं डिग्री सेल्सियस है आपके पास डिग्री सेल्सियस आपके पास फाइव बाई नाइन इंटू आपके पास आता है एफ माइनस थर्टी टू बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास है कि आपने फेरन है ये डिग्री आपके पास ये इन्वर्ट हो जाएगी नाइन बाय फाइव डिग्री सेल्सियस प्लस थर्टी टू तो ये स्टूडेंट्स आपके पास एडिशनल फार्मूलाज हैं जिनमें आप डिग्री सेल्सियस को और फेरन को आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं और स्टूडेंट्स जो आपके पास कैलविन और सेल्सियस के लिए जो आपके पास फॉर्मूला है उसी को आप इंटर कन्वर्ट करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कैलविन को सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं यानी कि आपके पास साइंस जो है वो अपोजिट हो जाएंगे ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास स्केल ऑफ थर्मोमीटरी आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं थैंक यू